कैकई का अनुताप भाग तीन में हम आगे की व्याख्या को साझा करेंगे। अब तक हमने भाग एक और भाग दो में लगभग अधिकांश पद्यांशों को पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा है इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पूर्व पीठिका के अंतर्गत पूर्व में हम लोगों ने अध्ययन किया कि राम को वन से वापस लाने के लिए भरत का प्रयास, भरत जी राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट के जंगलों में गए हैं और वो पूर्णतया प्रयास करते हैं कि राम वापस वन से अयोध्या लौट आए, तो ये हम पढ़ चुके हैं। कैकई का अनुताप, साथ ही भाग दो में आपने देखा होगा कि कैकई लगातार अपने बातों के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहती हैं सभा को और राम को कि भरत का इसमें कोई दोष नहीं है तुम्हें वन भेजने के लिए। और वो जो कभी सिंघनी के समान हुआ करती थी कैकई, वो आज क्या हो गई हैं, गोमुख गंगा के समान हो गई हैं। और कैकई का अनुताप भी अपने भाग दो में देखा, साथ ही पुत्र की उपेक्षा से आहत ममत्व का पराकाष्ठा, पुत्र की उपेक्षा यानी भरत की उपेक्षा, उपेक्षा यानी इग्नोर करने से क्या होती हैं, बहुत आहत हो जाती हैं कैकई, और ममत्व का पराकाष्ठा, फिर उनका जो ममत्व का पराकाष्ठा एक दर्शाया गया है आपने भाग दो में, इसका भी अध्ययन किया कि कैकई किस तरह से विचलित हो गई हैं भरत जब उनका परित्याग कर दिए हैं, तो वह क्या वात्सल्य प्रेम में उमड़ आया है, तो ये सब चीज़ों को भी आपने भाग दो में देखा। अब देखिए कैकई का चारित्रिक वैविध्य आपने साथ ही भाग दो में ये भी देखा कि कैकई के चरित्र की विभिन्न तरह के चीज़ों को दर्शाया गया है कि कैसे वैधव्य तुषार आवृता यथा विधुलेखा, जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें उसकी कणों से ढक जाने के कारण क्या हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है, उसी तरह से जो कैकई हैं कभी सिंघनी के समान स्वरूप था उनका, आज वो विधवा वेश में अलग ही प्रतीत हो रही हैं। तो ये सब आपने विभिन्न तरह से, जो कभी उन्होंने वर मांगा राजा दशरथ से राम को वन भेजने के लिए, आज वही कह रही हैं कि वापस तुम घर को लौट चलो राम, इस प्रकार के विभिन्न चरित्रों में आपने भिन्नता भी देखा, तो इसको पर भी हमने चर्चा कर लिया है। आज हम आप लोग को आगे की व्याख्या बताते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए देखते हैं। कहती हैं कैकई कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, आज तक लोग यही कहते आते थे माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आपने देखा कि माता में कु क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, कैकई कहती हैं कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, आज तक लोग यही कहते आते थे संसार में जन्म जन्मांतर तक, यही एक उक्ति चली आ रही है कि माता न कुमाता, माता कभी बुरी नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही बुरा हो जाए। अब कहीं सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब सभी विधाता के उक्ति के विरुद्ध यही कहेंगे है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही रहा परंतु यहाँ माता कुमाता हो गई। सोचिए कितना ज़्यादा पश्चाताप है कैकई के मन में, वह पश्चाताप में ये सब बातें कह रही हैं और कहती हैं बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृगुदुल गात ही देखा, परमारथ न देखा पुर स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। आगे वो कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कहती है हे राम मैं भरत के सिर्फ बाहरी स्वरूप को ही देख पाई, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, मैंने इसके बाहरी स्वरूप को देखा, इसके सुकोमल शरीर को देखा, मैंने इसका दृढ़ निश्चयी हृदय नहीं देखा कि ये कभी भी राम के अधिकार पर अधिकार करना नहीं चाहेगा, मैंने इसके भाई के प्रति जो प्रेम है भातृत्व प्रेम की दृढ़ता है उसे मैंने नहीं देखा, मैंने बस इसके सुकोमल शरीर को ही बाहरी स्वरूप को ही देखा है, इसीलिए मैं परमारथ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने भरत के परमार्थ स्वभाव को नहीं देखा, बस अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा कि कहीं अगर राम
को अयोध्या की राजगद्दी मिल गई तो राम क्या हो जाएंगे, अयोध्या के राजा हो जाएंगे और उनकी माता जो कौशल्या हैं वो राजमाता कहलाने लगेंगी। फिर हमारा क्या होगा, यही सब चीज़ें मैंने अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा, परंतु मैं ये भूल गई थी कि भरत इन चीज़ों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैंने इसके दृढ़ निश्चयी हृदय को नहीं देखा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। आगे कहती हैं कि इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, यानी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और साथ ही मेरे पुत्र वधू पुत्र जंगल में भटक रहे हैं। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सौबार धन्य वह एक लाल की माई, जो जननी ने है जरा भरत सा भाई। आगे जो कैकई हैं वो कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब युगों युगों तक जब भी जो भी जन्म जन्मांतर तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, रघुकुल वंश में एक अभागिन रानी थी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। जब भी मैं इस धरती पर जन्म लूँ तब यह मेरा जो जीवन है यही सुनेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस रानी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तब जब कैकेयी बहुत भाव विभोर होकर बहुत पश्चाताप में ये सब बातें जब सभा के सामने और राम से कह रही हैं, तब राम उन्हें सांत्वना देते हुए कैकेयी को, चूंकि जो राम हैं उनका व्यक्तित्व कितना अच्छा दिखाया गया है कि यहाँ पर वो अपनी माता को भी निष्कलंक मान रहे हैं, जिस तरह से भरत के प्रति उनके मन में किसी तरह का घृणा नहीं है उसी तरह से वो कैकेयी को भी निर्दोष मान रहे हैं। और वो कहते हैं कि सौबार धन्य वह एक लाल की माई, वह माता सौबार धन्य है जिसने जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जना मतलब जननी मतलब माता और जना मतलब माता और जना मतलब होता है जन्म दिया। वो कहते हैं कि सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, सौ बार धन्य है वह माता जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। साथ ही राम जी की इन बातों को सुनकर जो वहाँ उपस्थित सभा रहती है वह भी बहुत भाव विभोर हो जाती है कैकेयी के लगातार पश्चाताप भरे शब्दों को सुनकर। वह भी क्या करती है, जो सभा होती है वो प्रभु के साथ स्वर में स्वर मिलाकर चिल्लाती है कि सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, वाकई वह माता सौ बार धन्य है जिसने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, संकित सबसे दृढ़ हरण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आइए कहती हैं कि हाँ लाल, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, और सही बात है राम, परंतु आज मैंने उस भरत को भी गमाया, मतलब गंवा दिया है। देखिए गंवाया का अर्थ है गंवा दिया है उस लाल को, क्योंकि मैंने इस तरह का अपराध किया है कि भरत ने मेरा परित्याग कर दिया है, मुझसे वह क्या हो गया है, रूठ गया है और पूरी तरह से उसने मेरा परित्याग कर दिया है। तो वही कहती है कि हाँ लाल इसे भी आज गमाया मैंने, गमाया मतलब होता है गंवाया, मतलब खो दिया। विकराल कुयश ही यहां कमाया मैंने, विकराल, विकराल मतलब भयंकर। कहते कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने,
हाँ लाल, आज मैंने उस भरत को भी गंवा दिया, खो दिया, क्योंकि मैंने ऐसा कृत्य किया है कि भरत ने मेरा परित्याग कर दिया है। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, मैंने तो यहाँ आकर भयंकर कुयश बुराई को ही कमाया है। निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, मैंने तो सब कुछ भरत पर लुटा दिया था। अपना स्वर्ग रूपी जो राजा दशरथ का अयोध्या राज्य था, मैंने सोचा कि भरत इसे पाकर बहुत खुश होगा। भरत जैसे ही ये बात सुनेगा, उसे समाचार प्राप्त होगा कि मैंने दशरथ से ऐसे वर मांगे हैं, तो वो बहुत खुश होगा क्योंकि वो अयोध्या का राजा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ दूसरा ही सोचा था और भरत ने परंतु मेरे ऐसे कार्य करने से मुझे त्याग दिया, परित्याग कर दिया। तो उसी पे कहती हैं कि निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, जिस भरत पर मैंने अपना सब कुछ वार दिया था, न्यौछावर कर दिया था, अर्पित कर दिया था, यानी कि जो राजा दशरथ का अयोध्या जैसा राज्य था, स्वर्ग के समान जो राज्य था, मैंने उसे सौंप दिया था। बल्कि बिना बाधा के तुम्हें भी, एक तुम ही सबसे बड़े पुत्र थे अगर देखा जाए तो, उस कारण से तुम्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें भी रास्ते से हटा दिया। बिना, आपने पढ़ा होगा पहली पंक्तियों में कि उसके कहते हैं कि अकंटक राज्य मिला है जिसे, वो कहते हैं कुछ ऐसी पंक्तियाँ कि जिसे बिना किसी बाधा के ही राज मिल गया है, उसकी और कौन सी मनोकामना होगी। तो उसमें कहते हैं कि देखिए, मैंने तुम्हें भी रास्ते से हटा दिया था, यानी कि बिना बाधा के उसे मैंने राज्य पाठ दे दिया था। अयोध्या का जो राजपाठ था, स्वर्ग के समान, मैंने उस पर वार दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे अधिकारों को भी, हर मतलब छीन लिया था, हर मतलब छीन लिया, छीन लेना, ठीक है, लिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, पर वही भरत, मैंने जिसको सोचा था कि वह स्वर्ग के समान राज्य पाठ को पाकर बहुत खुश होगा, वह आज मेरे ऐसे कृत पर दीन हुआ रो रहा है। संकित सबसे धृत हरित तुल्य होता है। जिस प्रकार से हरिण का बच्चा जब डर जाता है तो इधर उधर भागने लगता है, आज उसी के समान मेरा पुत्र भी क्या हो गया है, डरा हुआ सा हो गया है और वह दीनहीन होकर रो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। जो भरत श्रीखंड, श्रीखंड मतलब चंदन के समान जो भरत शीतल था, आज वही क्या हो गया है, इतना गुस्से में हो गया है कि वह अंगार चंड है मेरा, अंगार के समान हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो राम, तुम ही बताओ कि इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या दंड होगा कि मेरे ही पुत्र ने मेरा परित्याग कर दिया है और आज मेरी ही बातों को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। पद पाड़ी यानी हाथ पैर, पद पाड़ी यानी हाथ पैर। कहते हैं कि पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या का करते नहीं स्वप्न में मद में। कहते हैं कि मैंने भी मोह की नदी में, मोह नद में, नद मतलब नदी, मैंने भी मोह रूपी नदी में हाथ पैर खूब मारे। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। लोग सपने में जब होते हैं तो क्या क्या नहीं करते, उसी प्रकार से मेरा भी सपना था कि मैं भी राजमाता बन जाऊँ और मेरा पुत्र को राजगद्दी मिल जाए। तो ऐसे ही सपने में आकर मैंने भी ऐसे कृत किए। परंतु जैसे लोग सपने में और लालच में, मद मतलब लालच में आकर क्या क्या नहीं करते, उसी प्रकार से मैंने भी मोह रूपी नदी में खूब हाथ पैर पटके। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा, वह तरणी सी है आज वाहिनी वरुणा। आगे कहती है कि हा दंड कौन उसे डरूंगी अब भी, अब मेरे लिए इससे बड़ा और कोई दंड नहीं है। आज चाहे जो कोई, कोई भी मुझे दंड दे दे, आज भरत ने जब मेरा परित्याग कर दिया है तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई दंड नहीं है। क्या उसे डरूंगी अब भी, यानी इससे बड़ा कोई मेरे लिए दंड नहीं है जिससे मैं डर जाऊं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर लोग मेरे ऊपर दया दिखाएं तो भी
कोई मतलब नहीं उसका। हा दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा, हाँ दया हंत व घृणा, हाँ व करुणा, वैतरणी सी है आज ज्वाहिनी वरुणा। आज मेरे लिए ज्वाहिनी वरुणा यानी जो ये यमुना है और गंगा है, यह भी क्या है, वैतरणी सी हो गई है मेरे कृत के कारण। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुनु विचारी, वो कहती हैं कि मैं सह सकती हूँ, लोग मेरे ऊपर दया मत दिखाएं, क्योंकि वो मेरे लिए क्या होगा और ज़्यादा मुझे क्या करेगा, दर्द ही पहुंचाएगा। लोग मेरे ऊपर दया ना करें क्योंकि मेरे लिए जो यह गंगा और यमुना नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, मैंने ऐसा कृत किया है कि मैं वैतरणी में भी रहने लायक नहीं हूं, और यह आज मेरे लिए वैतरणी की समान हो गई हैं। सशक्ति हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, जो अच्छे विचार वाले लोग हैं वो मेरे ऊपर दया न दिखाएं, क्योंकि मैं चीर नरक यानी लंबे समय तक नरक मैं रह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु अगर किसी ने मेरे ऊपर दया करके मुझे स्वर्ग भेज दिया तो वह मेरे लिए क्या होगा, दंड से भी भारी होगा। आगे कहती हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस कठोर यानी जो पाप, कुलिस मतलब होता है पाप और कठोर मतलब कठोर कलेजा। कहते हैं कि हे राम, मैंने इसे पाप से युक्त कठोर कलेजे से, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, मैंने तुम्हें वन में भेजा था। कर घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। फिर कहती हैं आगे कि हे राम, अब तुम वापस घर चलो, अब मैं कितना तुमसे पश्चाताप करूं तुम्हारे सामने। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, तुम वापस अयोध्या को चलो, अब और न रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं अपनी सफाई में और कुछ बातें कहूँ तो लोग उसे क्यों सुनेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कृत्य किया है कि लोग मुझे अपराधी मान रहे हैं, अगर मैं कितना भी पश्चाताप करूँ तो लोग उसे क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कहती हैं कि भरत मुझे प्यारा है और तुम इसे प्यारे, इसे तुम प्यारे और भरत के लिए तुम प्यारे हो। कहती है कि मेरी दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, इसलिए हे राम तुम मुझसे मेरे लिए दुगने प्रिय हो, क्यों, क्योंकि मुझे ये प्यारा है यानी भरत जो है वो मेरे लिए प्यारा है, मैं इससे अत्यधिक स्नेह करती हूँ, और जो भरत है वह तुमसे अत्यधिक स्नेह करता है, इसलिए हे राम तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इसलिए अब मुझसे और ज़्यादा न रूठे रहो। मैं इसे न जानूँ किंतु जानते हो तुम, भले ही मैं भरत को नहीं बोले होते हैं, पहली पंक्तियों में आपने पढ़ा होगा पहले भाग में कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान न पाई, जिसको राम जी कहते हैं कि उसके हृदय की गहराई को भला कौन समझ सकता है, जिसे जन्म देने वाली उसकी अपनी माता ही न समझ पाई। तो उसी बात को कहती हैं कैकेयी कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, यह बात सत्य है कि मैं इसे जन्म देकर भी नहीं समझ पाई, किंतु तुम तो इसे अच्छी प्रकार से समझते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, इसीलिए तो बचपन से तुम इससे अपने से पहले क्या करते हो, प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तुम दोनों भाइयों का प्रेम एक जैसा जैसा है, वही सभी भाइयों पर तुम्हारा प्रेम प्रकट एक समान होता रहा है। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, पुण्य तोष मतलब कहती हैं कि जो मेरा पाप है वह भी क्या है, अगर तुम जिस तरह से अपने भाइयों पर प्रेम दिखाते हो, प्रकट करते हो, अगर उसी प्रकार से तुम मुझे माफ़ कर रहे हो तो जो मेरा पाप है वह भी क्या होगा, पुण्य में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा, भले ही मैं पंकिला रहूं यानी जो मेरे विचार थे कभी नफरत भरे आ गए, भले ही मैं पंकिला हूं, कीचड़ की समान हूं, परंतु पद्य कोश है मेरा, परंतु कमल के पुष्पों के समान मेरा कोश है, जिस प्रकार से जो कीचड़ होता है उसमें कमल निकलता है, उसी तरह से भले ही मैं पंकिला हूँ, मैंने मुझसे पाप हुए हैं, परंतु मैंने भरत को जन्म दिया है, यानी कि कमल के पुष्पों के समान कहती हैं कि पद्य कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले ज्ञानी लोग
उच्च भाल ले लेकर अपना ऊंचा मस्तक करके समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ देकर समझाएंगे कि इस तरह से लोग वाहवाही लूटने के लिए अपना ऊंचा मस्तक करके विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ देंगे कि क्या कैकेयी ने किया और कैसा राम का प्रेम था भरत के प्रति, ये सब चीज़ें समझाएंगे लोग। परंतु मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मैं एक माँ हूँ और मेरे माँ का एक अधीर, एक बेचैन हृदय है, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, और आज वह हृदय तुम्हें हृदय से लगा लेना चाहता है, अपने बाजुओं में भर लेना चाहता है। बस मैं इतना ही जानती हूँ, मैं किसी भी तर्क को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा जो हृदय है वह एक माँ का हृदय है, और मेरा वो अधीर हृदय हे राम वो चाहता है कि आज वो तुम्हें गले से लगा ले और तुम वापस अयोध्या को लौट चलो। आज के लिए इतना ही।